इतने कम प्राइस में ऐसा कुछ तो सिर्फ मीशो पे ही मिल सकता है। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सो वेलकम और वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं मीशो फेस्टिव मस्ट हैव्स। अब नेक्स्ट मंथ से सारे फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। और मैं तो एक्साइटेड वैसे भी हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट मंथ डिलीवरी भी होने वाली है, तो थोड़ी डरी हुई हूँ, थोड़ी एक्साइटेड हूँ, बट एनीवेज फेस्टिवल्स आते रहेंगे और मनाना तो ज़रूरी है, तो सारी खुशी एक साथ आने वाली है अगले महीने, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ विच आई बॉट फ्रॉम मीशो पिछले 6-7 महीने में, एंड आई फील कि दे आर लाइक रियली वर्थ इट, और मीशो से खरीदना उन्हें बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट पीस दैट आई एम गोना शेयर यू, ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वालिटी। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा हैवी नेकलेस आया है। इफ़ यू गाइज लव टू वेयर हैवी नेकलेसेस देन दिस इज समथिंग फॉर यू। ये मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में पहना था एंड आई लाइक्ड इट सो मच, मुझे बहुत सुंदर लगा ये। इसमें बहुत ही सुंदर सा इंट्रिकेट काम दिया गया है इस तरीके से, एंड इसमें लक्ष्मी जी के बहुत सारे ऐसे मोटिव्स बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन है, पिंक एंड ग्रीन, किसी भी आउटफिट पर आराम से चल जाएगा। सो इफ़ यू रियली लाइक टू वेयर हैवी ज्वेलरी तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये वेडिंग्स में भी काफ़ी अच्छा लगेगा पहनने के बाद, एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल हाईली रिकमेंड, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ऐसा नेकलेस मीशो पे मिलना इज डेफिनेटली वर्थ इट। और मुझे इसकी क्वालिटी, इसका डिज़ाइन सब बहुत सुंदर लगा। साथ में इसमें ये वाले सुंदर से इयररिंग्स आएंगे, बेसिक हैं लेकिन इस नेकलेस को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी नेक्स्ट फेस्टिव मस्ट हैव में आएंगे ये बहुत ही सुंदर से हैवी कड़ाज दैट आई बॉट फ्रॉम मीशो। अगेन दे आर वेरी अफोर्डेबल। यही सेम कड़े अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से लेने जाओगे, यू आर गोइंग टू फाइंड देम अराउंड 2000 रुपीज। तो डेफिनेटली मीशो से ये खरीद के मैं कभी नहीं बचता हूँ, और इन्हें लिए तो आई थिंक मुझे एक साल हो गया है। आई रियली लाइक दीज, इनका डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। एक तो ना ये खुद में एक होलसम बढ़िया स्टेटमेंट कड़ा है, आपको इसके अलावा कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू वेयर देम एंड यू आर रेडी फॉर एनी फेस्टिवल और एनी वेडिंग और एनी पार्टी। तो जब कुछ समझ ना आए तो इस तरीके के हैवी कड़ा उस टाइम पर बहुत काम आते हैं। इनकी क्वालिटी सुपर्ब, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि मैंने ये मीशो से लिए हैं, बट दे आर डेफिनेटली फ्रॉम मीशो। इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप चेकआउट कर सकते हो, जल्दी से खरीद लेना, क्योंकि मीशो पे चीज़ें स्टॉक आउट बड़ी जल्दी होती है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उसके मैं नेक्स्ट डे जाके देखती हूँ कि ऑलमोस्ट चीज़ें स्टॉक आउट हो गई हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू बाय, यू कैन जस्ट बाय ऑन टाइम। फिर मुझसे मत कहना कि मिला नहीं, स्टॉक आउट हो गया। नेक्स्ट पीस दैट आई विल हाईली रिकमेंड, ये आई थिंक मैं अपनी 3-4 वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, इज दिस ब्यूटिफुल ब्लाउज फ्रॉम मीशो विच इज सब्यसाची इंस्पायर्ड। ये ब्रोकेड का एक ब्लाउज है, इसमें मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ ऑर्डरिंग अ मरून इन दिस बिकॉज मुझे मरून कलर काफी पसंद है, या फिर पिंक मैं इसमें ऑर्डर करूंगी बिकॉज मुझे ये वाला पर्सनली बहुत पसंद है। ये मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ डिफरेंट सारीज, इसका डिजाइन बहुत सुंदर आता है, इसका कट बहुत प्यारा, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका नेक बहुत ज्यादा डीप नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके के ब्लाउजेस कट वाले पसंद है तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसमें कप्स आते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बैक पोर्शन, इसमें भी वी आएगा और लटकन आएगी साथ में। बट अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आई है। इसका डिजाइन भी मीशो पर जनरली क्या होता है ना कि आपको फैब्रिक में थोड़ा इशू होता है या फिर सिलाई में बहुत गड़बड़ होती है, धागे निकले होते हैं, इसकी फिनिशिंग, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर आया, और फेस्टिवल्स में ये बहुत सुंदर लगेगा। किसी भी पिंक साड़ी के साथ आप इसे पहन सकते हैं, और डिफरेंट कलर के साथ पेयर करके पहनो, ये बहुत ही बढ़िया लुक देगा। सो दिस इज़ अ डेफिनेटली फेस्टिव मस्ट हैव फ्रॉम मीशो, प्राइस के हिसाब से भी दिस इज टोटली वर्थ इट। नेक्स्ट पीस आई एम गोना बी रिकमेंडिंग यू आर दीज कड़ाज दैट आई हैव रिसेंटली बॉट फ्रॉम मीशो। ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गए थे, एंड दीज आर टेम्पल डिज़ाइन कड़ाज। ये थोड़ा ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड टच में आते हैं बट बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। आप इन्हें बैंगल्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, नॉर्मली पहन सकते हो, दोनों केस में ही अच्छे लगेंगे, एंड यार प्राइस के हिसाब से दे आर टोटली वर्थ इट। नेक्स्ट फेस्टिव मस्ट हैव इज दिस। मैंने जितनी बार भी ये पहना है ना, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। सो दिस इज फ्रॉम मीशो, इट्स अ ब्यूटिफुल कंठी सेट। आप खुद देखो कि ये किसी भी आउटफिट को बहुत आराम से मैच कर लेता है, एंड आई रियली लव द कंटेम्प्रेरी लुक ऑफ दिस। इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है इसमें, छोटे छोटे स्टोन्स हैं और आगे एक लोटस बना हुआ है जिसमें 3 लटकन दी गई हैं। दैट्स इट फॉर द डिज़ाइन। इतना सिंपल है, इतनी सिंपलिसिटी है इस डिज़ाइन में, पर पहनने के बाद ये उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और मिनिमल लुक देता है। तो अगर आपको कुछ मिनिमल ज्वेलरी पसंद है एंड यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, डू ट्राई दिस हसली नेकलेस, ये आपको पसंद आएगा। इसके इयररिंग्स एग्जैक्टली इसके बिल्कुल पेंडेंट जैसे हैं, जो सेंटर में दिया गया है लोटस डिज़ाइन में, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी ये एक बहुत बढ़िया पीस है। सो आई थिंक कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन पेयर विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ये बिल्कुल अलग लगेगा। अनदर पीस दैट आई विल बी रिकमेंडिंग इज अ पेयर ऑफ इयर रिंग्स, एंड
इन्हें तो मैं ओवर यूज़ कर चुकी हूँ मतलब लिटरली मुझे इतने ज़्यादा पसंद और इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना, आई जस्ट शो यू। तो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन आता है इनका, दीज आर लॉन्ग ब्यूटिफुल इयर रिंग्स। जब कुछ समझ नहीं आता ना कि क्या पहनूँ इन वाले कपड़ों पर, तो ये वैसे हैं कि किसी भी लिटरली साड़ी पे, सूट पे, अनारकली पे आराम से चलेंगे। इनमें कुंदन है ऊपर टॉप पे और बॉटम पे भी, और बीच में ये पर्ल की इसमें थ्रेड दिया गया है जो कि बहुत सुंदर लगता है। सबसे खास बात इन इयर रिंग्स की कि दीज आर एक्सट्रीमली लाइट वेट, मतलब इतने हल्के हैं ऐसा फील होता है कि आपने सिर्फ एक सिंपल सा हूप इयरिंग पहना हुआ है। एंड जिनका गोल चेहरा है ना मेरी तरह, उनको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि गोल चेहरों वालों पे तो लंबे इयरिंग्स और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज इट गिव्स इट लेंथ टू योर नेक। उसकी वजह से आपका जो फेस है वो बिल्कुल ऐसे ज़्यादा गोल नहीं लगता, और फिर उससे ना एक हल्का सा ऐसे लंबा वाला फील आ जाता है। तो इसलिए इफ़ यू हैव अ राउंड फेस डू ट्राई दीज आउट। नॉर्मली भी नहीं भी है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द बेस्ट प्राइस फ्रॉम मीशो टिल नाउ एंड अफोर्डेबल टू। नेक्स्ट एक नेकलेस सेट है जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, इज दिस ब्यूटिफुल पर्ल एंड इसमें ना यू नो वो वाला टच भी है, टेम्पल ज्वेलरी वाली फीलिंग भी है, इसमें एडी भी है। सो दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक, कुछ ऐसा डिज़ाइन आता है इसका। इसमें सेंटर में इस तरीके से बहुत ही सुंदर सी यहाँ पर लक्ष्मी जी दी गई हैं विद अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन, और ये पहनने के बाद स्पेशली नेकलेस बहुत डेलिकेट और बहुत सुंदर लगता है। आपको कुछ अगर मिनिमल ज्वेलरी पसंद है डू ट्राई दिस आउट, ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन, इसका जो पैटर्न है वो बहुत अलग है। ये एक बहुत ही यूनिक सा पीस है जो कि जनरली लोगों के पास मिलता नहीं, और आपकी साड़ीज़ पे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो ये छोटे मोटे फेस्टिवल्स होते हैं ना, तीज, रक्षाबंधन, उन पर बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी भी नहीं पहनी जाती, तो उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है इफ यू आर वेयरिंग अ साड़ी। और साथ में ये बहुत ही सुंदर से इसमें इयररिंग्स आए जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं देता, येट यू आर वेयरिंग समथिंग इन योर नेक तो गला खाली भी नहीं लगेगा, तो उसके लिए बढ़िया ऑप्शन है। माई लास्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम मीशो आर दीज सेट ऑफ फोर पर्ल बैंगल्स, इनमें से मैंने दो ऑलरेडी पहने हुए अपने बैंगल्स के साथ और दो ये वाले हैं, तो ये मैंने चार का सेट लिया है, विच इज अगेन वेरी वेरी अफोर्डेबल। मीशो में कभी ऐसा प्राइस मिल जाता है कि आपको लगता है कि यार इतना सस्ता भी हो सकता है, बट इनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, नॉट दैट ग्रेट कि आप बहुत हाई एंड क्वालिटी इनसे एक्सपेक्ट करो, बट इनके प्राइस के हिसाब से मुझे इनकी क्वालिटी बहुत सही लगी। एंड बैंगल्स के साथ पेयर करके पहन लो, खाली नहीं पहन लो वाइट पर्ल बैंगल्स को, आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है पर्ल, तो भी अच्छी लगेंगी। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।